पहले खबरें देखने के लिए टीडीसी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीडीसी न्यूज और मैं हूं काजल। देश भर में जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई गई। मध्यरात्रि में कान्हा के जन्म के बाद वासुदेव कान्हा को लेकर गोकुल के नंद बाबा के घर यशोदा के पास छोड़ आते हैं। नंद के घर आनंद भयो की खुशी में आज भी नंद गांव में नंदोत्सव का धूमधाम से आयोजन किया जाता है। आइए देखते हैं कि जन्माष्टमी के अगले दिन नंद नगरी गोकुल का क्या हाल रहा। कान्हा के जन्म की खुशी पूरे ब्रज में गोकुल से लेकर वृंदावन तक धूमधाम से मनाई गई। नंद नगरी गोकुल में नंदोत्सव की ऐसी धूम मची कि हर गलियां नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की से गूंज उठी। बता दें कि मथुरा में मध्य रात्रि को कान्हा के जन्म के दूसरे दिन गोकुल में नंदोत्सव का आयोजन किया जाता है। कंस के कारागार में कान्हा के जन्म लेने के बाद वासुदेव अपने लल्ला को गोकुल के नंद बाबा के घर छोड़ जाते हैं। उसी परंपरा के तहत कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन भक्तों का रेला गोकुल की ओर बढ़ चला। श्रद्धालुओं की भीड़ अंधेरा छटने से पहले ही यहां पहुंच गई। हर ओर अपने लल्ला को बस एक और बार निहारने की ललक थी। अजन्मे के जन्म पर बटी बधाइयां लूटने की ललक थी। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई कान्हा की गोपी बनकर भजनों पर थिरकना चाह रहा था और कन्हैया के जन्म के उमंग में खोना चाह रहा था। नंद के घर कान्हा आए हैं इस खुशी को सुनकर गोकुलवासी नंद बाबा को बधाई देने नंद भवन पहुंचे। नंद भवन के सामने जुटी इन श्रद्धालुओं के मुंह से बस एक स्वर, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के महल से हाथों में उपहार से भरे थाल लेकर श्रद्धालु ढोल नगाड़ों की धुन पर नाचते गाते हुए नंद चौक पहुंचे। जहां कन्हैया की जन्म की खुशी में भक्तों ने फल मेवा कपड़े खेल खिलौने लुटाए। इस दौरान हर कोई एक दूसरे को लल्ला के जन्म की बधाई देता हुआ नजर आया। इसके बाद धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें लाला की छींछी यानी मटकों में दही और हल्दी के प्रसाद को एक दूसरे पर फेंका गया। इस दौरान पालने में विराजे लड्डू गोपाल को अपने हाथों से झुलाने के लिए उनमें होड़ मची रही। लल्ला की जन्म की खुशी में डूबे ब्रजवासी और श्रद्धालुओं को देखकर यही लग रहा था मानो एक बार फिर से द्वापर का दृश्य जीवंत हो गया हो। नंदलाल के जन्म को लेकर गोकुल के साथ ही समूचे ब्रजमंडल के मंदिरों में धूमधाम से नंदोत्सव मनाया गया, जहां देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने इसका आनंद उठाया। मथुरा से टीडीसी न्यूज के लिए MM सारस्वत।